हेलो, यू आर वेलकम टू इंग्लिश डायरीज। आज हम लोग पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स देखेंगे। तो बेसिकली जो अपेंडिक्स होता है, इट लाई इन द राइट इलियक फोसा। ऑल्दो द बेस ऑफ अपेंडिक्स इज फिक्स, द टिप कैन बी पॉइंट इन एनी डायरेक्शन एज डिस्क्राइब बिलो, वी कैन सी। और इसको आर ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक पे हम लोग देखेंगे। द अपेंडिक्स में पास अपवर्ड एंड टू द राइट, दिस इज पैराकोलिक या तो 11th क्लॉक पोजीशन होगा। ये देख सकते हैं डायग्राम में। इट में लाई बिहाइंड द सीकम या तो कोलम, सीकम कोलम के पीछे होगा, जिसे हम लोग रेट्रोसीकल कहेंगे। और दिस इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स। ये हम लोग अगर परसेंटेज में बात करें तो 65% केसेस में होगा। फिर जो अपेंडिक्स होता है, इट में पास अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट, इट पॉइंट टूवर्ड्स द स्प्लीन, तो इसलिए इस इज नोन एज स्प्लिनिक या तो 2 o'clock पोजीशन कहेंगे। अपेंडिक्स जो होगा, इसमें इट में लाई इन फ्रंट ऑफ द इलियम या तो बिहाइंड द इलियम। अगर इलियम के आगे है तो प्री इलियम, और इलियम के पीछे है तो पोस्ट इलियल कहेंगे। तो पोस्ट इलियल टाइप इज द मोस्ट डेंजरस टाइप। फिर इसके बाद इट में पास हॉरिजॉन्टल टू द लेफ्ट एज इफ पॉइंटिंग टू द सैक्रल प्रोमोन्ट्री की तरफ होगा, तो उसको हम लोग प्रोमोन्ट्रिक पोजीशन कहेंगे, तो 3 o'clock पोजीशन कहेंगे। फिर देन इट में डिसेंड इनटू द पेल्विस, विच इज नोन एज पेल्विक और 4 o'clock पोजीशन। दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन पोजीशन, अबाउट 30%। देन इट में लाई बिलो द सीकम, जिसे हम लोग सब सीकल कहेंगे, एंड मे पॉइंट टूवर्ड द इंग्वाइनल लिगामेंट नोन एज मिड इंग्वाइनल और 6 o'clock पोजीशन।